हेलो फ्रेंड्स, मिशन कंपटीशन बिहारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो ये है नीट से रिलेटेड ही, आपका बीए एमएस है तो हम लोग उस पे आज चर्चा करेंगे, बीए एमएस पे ही। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपके लाइक और कमेंट करने से या सब्सक्राइब करने से काफ़ी मोटिवेट होती हूँ और वीडियो कैसा बनाना है आगे वो भी पता चलता है, क्योंकि बहुत का कमेंट आता है और बताते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं बीए एमएस के बारे में। ये आपका जो है मेन नीट से, आपका जैसे नीट में आप लोग एमबीबीएस पे एडमिशन लेते हैं, उसी तरह से आपको बीए एमएस में आपको होम्योपैथ आयुर्वेद की आपकी डिग्री मिलती है। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है और स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा क्रेज है, खासकर कोरोना के बाद इसमें स्टूडेंट जो है आयुर्वेदा में काफ़ी एडमिशन होती है फ्रेंड, हो रही है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बी ए एम एस क्या है, उसका हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं। बी ए एम एस है फ्रेंड बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। एक हर एक युवा अपने जीवन में एक सपना होता है फ्रेंड, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसी तरह से आपका एक बी ए एम एस कोर्स भी है जिससे आप एक आयुर्वेद डॉक्टर बन पाएंगे। तो यही आपका आज का टॉपिक है फ्रेंड। एक आयुर्वेदिक कोर्स है, ये एक अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेद कोर्स है। इस कोर्स को आमतौर पर भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पढ़ाई जाती है। बीए में जो कोर्स है आपका फ्रेंड, वो आयुर्वेदिक प्राचीन का एक चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। ये जो फ्रेंड भारत में ये कोर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकृत है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए भारत में एक साल सेंट्रल और राज्य स्तर पर परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जाती है। इस कोर्स के अंतर्गत विद्यार्थियों को रचना विज्ञान, विश्व विज्ञान, फार्मेकोलॉजी, रोगों के निदान एवं बचाव, नाक आँख गले की चिकित्सा, चिकित्सा के सिद्धांत, फॉरेंसिक चिकित्सा आदि चीज़ों की जानकारी दी जाती है। तो फ्रेंड, आप लोगों को बी एम एस का जो फुल फॉर्म बता ही दी हूँ, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है, जिससे आपका आयुर्वेदा में ये एक ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम होता है, ये पढ़ाई होती है ग्रेजुएट लेवल की। वैसे कैंडिडेट जो बी एम एस करने की रुचि रखते हैं, उन्हें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं जो है वो आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना आवश्यक है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12वीं में विद्यार्थी का कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है। रिजर्व कैटेगरी से आने वाले विद्यार्थियों के लिए 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा भारत में होने वाले अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जैसे नीट एग्जाम में अच्छे अंकों को से पास होना अनिवार्य है। मेन फ्रेंड आपका यही है कि जो आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो जिनका बहुत अच्छा मार्क्स आता है फ्रेंड, उनको तो नीट एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन आपका थोड़ा बहुत उससे जो कम मार्क्स होता है फ्रेंड, उसके द्वारा ही आपको बीए एमएस में एडमिशन मिलती है। इसके लिए भी आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि वही मार्क्स से आपको मिलती है। बीए एमएस डिग्री कोर्स की समय अवधि जो है सामान्यतः 5 साल 5 महीने की होती है, जिसमें 4 वर्ष 6 महीने की पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप में प्रैक्टिकल शिक्षा से जुड़ी कुछ नॉलेज प्रदान किया जाता है। पढ़ाई और इंटर्नशिप पूरी करने के बाद विद्यार्थियों को बीए एमएस की डिग्री मिल जाती है, डिग्री दे दी जाती है। बीए एमएस कोर्स में अगर आप अपना दाखिला चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना जरूरी है फ्रेंड। परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होता है, नीट ही इसको कंडक्ट करती है। आयुष एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है फ्रेंड, नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेद एंट्रेंस एग्ज़ाम, इस तरह से आपका होता है फ्रेंड एग्ज़ाम। इसमें आपका देखिए फ्रेंड, जो आप फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहता है। बी ए एम एस कोर्स सिलेबस आपका पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद का इतिहास, शरीर क्रिया बॉडी फंक्शन के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, संस्कृत या फिर मौलिक सिद्धांत और अष्टांग हृदय के बारे में आपका पढ़ना रहता है। सेकेंड ईयर में आपका द्रव्य गुण विजन एंड मटेरियल विजन चक्र, सेकेंड में आपका केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, आपका थर्ड में चक्र संहिता, चरक संहिता वॉल्यूम फर्स्ट है आपका, और दूसरा और आपका नेक्स्ट है जो अगतंत्र व्यवहार आयुर्वेद और विधि वैदक। थर्ड ईयर में आपका फ्रेंड रोग निदान और विकृति विज्ञान पढ़ना होता है। चरक संहिता आपका पढ़ना रहता है, वॉल्यूम 2 है आपका ये।
स्वस्थ वृत्त एवं योग आपका हेल्दी सर्कल एंड योगा। बाल रोग प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग आपका पढ़ना ये चाइल्ड डिजीज ऑफ्स एंड गायनिकोलॉजी। फोर्थ ईयर में आपका शल्य तंत्र मतलब सर्जिकल सिस्टम, शल्यक तंत्र मतलब शल्य तंत्र, पंचकर्म, काया चिकित्सक, मानस रोग रसायन और वाजीकरण सहित आपका ये सब पढ़ना, रिसर्च मैथोलॉजी और मेडिकल एस्थेटिक्स। इस फिफ्थ ईयर में आपका फ्रेंड जो आपका होता है उसमें आपका काया चिकित्सक, शल्य तंत्र, शल्यक तंत्र, बाल चिकित्सा, पीडिया, प्रसूति तंत्र, ऑप्स सिस्टम, पंचकर्मा। इसके बाद फ्रेंड इसके बाद आपका करियर का ऑप्शन जो है वो शुरू हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि BA MS करने के बाद आपका क्या करियर में आपका क्या क्या ऑप्शन आपके पास बचते हैं। BA MS कोर्स करने के बाद आपके सामने निम्नलिखित प्रकार के करियर ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। उसमें आपका है फ्रेंड लेक्चरर, थेरेपिस्ट, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जूनियर क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, एरिया सेल्स मैनेजर। BA MS कोर्स करने का तो आप कहाँ काम कर सकते हैं फ्रेंड, उसके बारे में भी आपका जानकारी दे देती हूँ। सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम में काम कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज और एकेडमिक में भी आप काम कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, पंचकर्म आश्रम में, हेल्थ केयर IT में, फार्मेसी सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, आयुर्वेदिक रिसोर्ट में, स्पा रिसोर्ट में, एजुकेशन सेक्टर जहाँ पर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, या लाइफ साइंस सेक्टर में आप कर सकते हैं फ्रेंड। उसके अलावा ही आपका जो आपका चलिए फ्रेंड फीस के बारे में आप देख लेते हैं। BHMS आपका गवर्नमेंट कॉलेज का फीस कितना होता है, अगर आप सरकारी संस्थान में एडमिशन कराते हैं तो यहाँ फीस के तौर पर आपको 15,000 से लेकर 30,000 प्रतिवर्ष तक आपका फ्रेंड रह सकता है एडमिशन फीस। इसके लिए सरकारी संस्थानों में आप जो है दाखिला ले सकते हैं, तो आपको कम ही फीस यहाँ पर देना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले सरकारी कॉलेज में BMS की फीस जो है बहुत कम होती है। वही आपका फ्रेंड प्राइवेट कॉलेज का फीस देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपको फीस जो है वो बहुत हो जाता है फ्रेंड, 9 लाख से लेकर 15 लाख तक आपका फीस है जो आपको चुकाना पड़ता है। इसके अलावा भी आपको प्राइवेट कॉलेज में फीस अलग अलग होती है। इसके लिए आप प्राइवेट संस्थान में दाखिला लेते हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो आपको सरकारी बैंक से एजुकेशन लोन भी आपको मिलता है। आप ये फ्रेंड आप शुरुआती आपको BMS में डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है, तो ये आपका शुरुआती सैलरी है जो फ्रेंड वो 25,000 से 35,000 के बीच सैलरी आपको जो है वो मिलने के चांसेस रहते हैं। आपकी सैलरी लाखों में भी पहुंच सकती है फ्रेंड, और यहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी सैलरी भी आपको मिलती है। तो चलिए हम लोग BMS कोर्स का जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है उसके बारे में हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है BMS का। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर, भारतीय विद्यापीठ पुणे, गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जामनगर, आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर, JV रॉय स्टेट मेडिकल कॉलेज कोलकाता, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोल्हापुरी, ऋषिकुल गवर्नमेंट PG आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल हरिद्वार, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, श्री कृष्ण शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र, अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज इंदौर, NTR स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विजयवाड़ा, आयुर्वेदिक और यूनानी TVA कॉलेज नई दिल्ली, राजीव गांधी शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज कांगड़ा, शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल लखनऊ। तो फ्रेंड आपका ये सब जो है बेस्ट कॉलेज है फ्रेंड। इसके अलावा आप इस कोर्स में डिप्लोमा भी कर सकते हैं, MD MS, बहुत सारे फ्रेंड इसमें आपको जो बहुत स्कोप है आपका पढ़ने का। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हो तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।